पिछले दिनों कलेक्टर ने एक आदेश जारी करते हुए छतरपुर से पन्ना, सतना, खजुराहो और राजनगर जाने वाली बसों का रूट बदलते हुए बसों का संचालन शहर की बजाय महोबा रोड के फोर लेन से करने के निर्देश बस संचालकों को दिए थे। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए इस आदेश से नाराज बस यूनियन के सदस्यों ने शनिवार को बैठक कर उक्त आदेश को अस्वीकार कर दिया है और अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर अपनी समस्याएं बताईं, जिस पर अधिकारियों ने यूनियन के पक्ष में आश्वासन दिया है। बस यूनियन के महामंत्री उमेश चंद्र अग्रवाल और भगवत शरण अग्रवाल ने बताया कि विगत 31 जनवरी को कलेक्टर कार्यालय में यातायात की बैठक हुई थी, जिसमें ना तो बस संचालकों को बुलाया गया और न ही बस यूनियन के पदाधिकारियों को। बस संचालकों से बात किए बगैर ही कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए छतरपुर से पन्ना, सतना, खजुराहो और राजनगर की ओर जाने वाली बसों का रूट बदल दिया था। कलेक्टर के आदेश अनुसार अब से बसों का संचालन महोबा रोड के फोर लेन से किया जाना है, लेकिन इस मार्ग से बसों का संचालन करने में बस संचालकों को दस्तावेज संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे बस यूनियन नाराज है। यातायात के संबंध में और क्राइम के संबंध में, उसमें सबसे पहले तो जो उनने बस ऑपरेटरों के लिए जो आदेश पारित किया या निर्णय लिया, उसमें किसी भी ऑपरेटर को नहीं बुलाया और उनने आदेश किया कि ये जो पन्ना तरफ की बसें हैं वो हाईवे से जाएंगी। इस आदेश को हम सब बस ऑपरेटर स्वीकार नहीं करते हैं और उसमें परमिटों का उल्लंघन भी है और वहाँ से जाना संभव भी नहीं है। उसमें कई तरह की प्रॉब्लम है, यात्रियों को भी है, हमको भी है और प्रशासन को भी है। इसी के संबंध में हम सब ऑपरेटर एक साथ जटासंघ के पैलेस में बैठे और यहाँ ये निर्णय लिया गया, अगर शासन हमारी बात नहीं मानता तो हम हड़ताल पे जाएंगे। लेकिन आरटीओ साहब की अभी फ़ोन से चर्चा हुई यूनियन के लोगों की, उनने आश्वासन दिया कि जहाँ से अभी बसें संचालित हो रही थी वहीं से संचालन करें। आज यहाँ जिला बस एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई थी, इस तारतम्य में कलेक्टर साहब ने अभी एक आदेश जारी करवाया था कि जो पन्ना और राजनगर के लिए बसें हैं वो शहर के अंदर से होकर ना जाकर सीधे हाईवे से जाएंगी बस स्टैंड से। तो उसमें हम लोगों के टेक्निकल एक प्रॉब्लम थी कि जो हम लोगों का बीमा कमर होता है वो NH-35 और NH-34 में के अंतर्गत अलग अलग हो जाएगा, तो हमारी बीमा से गाड़ियां प्रभावित होंगी। कोई घटना घटित हो जाती है तो मोटर मालिक जवाबदार हो जाएगा। इन सब टेक्निकल प्रॉब्लमों से अभी एक RTO साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी आगे बात की है, ADM साहब से बात की है, उन्होंने आज आश्वासन अंतरिम लाभ ये दिए कि अभी आप जहाँ से चल रहे थे वहीं से चलें, हम कलेक्टर साहब से चर्चा करके फिर आपको नया स्थान चिन्हित करके शहर के अंदर से ही आगमन आपका उपलब्ध कराएंगे।